असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम इक्राम दिस इज़ दी थर्टी फोर्थ लेक्चर इन ए सीरीज़ ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे हैं आप छाला अच्छे होंगे लास्ट लेक्चर में हमने एक मोर मशीन देखी थी मीली मशीन देखी थी और स्टेट असाइनमेंट्स के बारे में बात की थी और फिर हमने बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर में तो आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शिफ्ट रजिस्टर से बात शुरू करेंगे सो आइए इससे पहले कि हम शिफ्ट रजिस्टर्स पर बात शुरू करें पुराने टॉपिक ज़रा रिवाइज़ कर लें पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी स्टेट असाइनमेंट से स्टेट असाइनमेंट बेसिकली हम ये कह रहे थे कि कोई भी स्टेट हो से ए, बी, सी डी उनको हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाइनरी एक नंबर असाइन करना है जो स्टेट ए को रिप्रेजेंट करेगा जो स्टेट बी को रिप्रेजेंट करेगा इस तरह स्टेट सी एंड डी को अब वो क्या नंबर्स होने चाहिए वो रैंडमली हम सेलेक्ट नहीं करेंगे वो बेसिकली कुछ हमने रूल्स स्टडी किए थे रूल्स ये थे कि जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएँ तो एक मिनिमल नंबर ऑफ़ बिट्स चेंज हों दूसरी हमने बात ये की थी कि कोई भी स्टेट डायग्राम है कोई भी उससे जो इम्प्लीमेंटेशन होगी सिक्वेंशल स्टेट मशीन की उसको जब रीसेट करेंगे तो वो उसको रीसेट होना चाहिए या तो जीरो ज़ीरो ज़ीरो स्टेट पे या वन 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 स्टेट पे किसी और स्टेट पे भी हो सकती है पर उसको ज़रा रीसेट करना किसी और स्टेट पर थोड़ा सा मुश्किल है सो आइडियली जीरो ज़ीरो ज़ीरो पहली स्टेट होनी चाहिए या वन 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 पहली स्टेट होनी चाहिए इसके बाद हमने तीसरी बात ये की थी कि अगर आपके पास अनयूज स्टेट्स हैं लेट्स से आपके पास एक स्टेट मशीन है जिसकी पांच स्टेट्स हैं अब पांच स्टेट्स में बेसिकली तीन आपको स्टेट वेरिएबल्स चाहिए सारी पांच स्टेट्स रिप्रेजेंट करने के लिए उनमें से तीन जो स्टेट्स हैं वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही तो अब बेसिकली क्या स्टेट्स असाइन करेंगे जो अन स्टेट्स हैं वो भी आप असाइन कर सकते हैं क्राइटेरिया क्या होगा अगर आप स्टेट असाइनमेंट की वजह से आपके जो आउटपुट है जो बुलियन एक्सप्रेशन है, है, तो हैं वो सिम्प्लीफाइड आ रही हैं तो आप नॉन अन असाइन जो स्टेट्स हैं वो असाइन कर सकते हैं स्टेट असाइनमेंट में एक और हमने बात की थी कि अगर आपका आउटपुट जो है वो डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप से अवेलेबल है तो फिर आप स्टेट असाइनमेंट नहीं कर सकेंगे जैसे हम काउंटर बनाते रहें जो काउंटर्स की आउटपुट हैं वो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स हैं तो उधर हमारे पास चॉइस नहीं है काउंटर ने एक सीक्वेंस में शुरू करना है और एक सीक्वेंस पे जाके एंड करना है so, सो उस केस में स्टेट असाइनमेंट नहीं हो सकेगी स्टेट असाइनमेंट उसी केस में करेंगे जब हम इंटरेस्टेड हैं जो आउटपुट्स आ रहे हैं और जो इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे प्रेजेंट स्टेट और एक्सटर्नल इनपुट पर हमने एग्जाम्पल बेसिकली देखी थी कि एक हमने स्टेट डायग्राम देखा था और उसके तीन डिफरेंट किस्म की स्टेट असाइनमेंट्स की थी उनको फिर हमने बुलियन एक्सप्रेशंस निकाली थी इम्प्लीमेंट करके देखा था उससे हमें ये uh, नज़र आया था कि जो स्टेट असाइनमेंट जिनमें हमने कोशिश की थी कि एक बिट चेंज हो उसकी सिंपलीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन आई थी बाकियों के uh, अगर कंपेयर करें तो ये सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन थी इसका मतलब था कि हमारा जो कम्बीशन सर्किट है वो भी काफ़ी सिंपल होगा नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस uh, किया था वो था एक मूर स्टेट मशीन और एक मीली स्टेट मशीन मूर स्टेट मशीन में हमने बात की थी कि जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है टोटली totally जो फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है कोई एक्सटर्नल इनपुट पे आउटपुट डिपेंड नहीं कर रहा सो so, जो स्टेट डायग्राम है मूर मशीन का वो काफ़ी सिंपल है सिंपली आपके पास जो सर्कल्स हैं वो इंडिकेट कर रही हैं स्टेट्स और एक डायरेक्टेड एरिया है जो एक स्टेट को नेक्स्ट स्टेट से कनेक्ट कर रहा है उसमें कोई इनपुट नहीं कोई आउटपुट नहीं हर स्टेट जो है वो स्पेसिफाई हो रही है विथ सम बाइनरी नंबर्स जो कि यूनिक हैं उस स्टेट के लिए मिली जो स्टेट मशीन है उसमें हमने बात की थी कि जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है कि जो फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है और एक्सटर्नल इनपुट सो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आउटपुट डिटर्मिन होगा तो मिली स्टेट uh, मशीन का जो स्टेट डायग्राम है उसमें हर स्टेट जो है वो सर्कल से रिप्रेजेंट हो रही है सर्कल में हमने उस स्टेट को इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स नहीं किया हुआ सिंपल एक जनरल नेम दे दिया हुआ ए स्टेट है बी स्टेट है सी ए डी सो ऑन एक्सटर्नल इनपुट जो है उसकी वजह से या तो हम उसी स्टेट में रहेंगे या हम नेक्स्ट स्टेट पर शिफ्ट कर जाएंगे सो so, uh, जो एक्सटर्नल इनपुट है एक हो सकते हैं दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं और इसी तरह मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं सो so, जो डायरेक्टेड एरो है प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट से आ, पर आ, उस तक तो उसमें हमने इनपुट भी कंडीशन स्पेसिफाई किया हुआ है और उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स होंगे वो भी स्पेसिफाई किया हुआ है इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट से जो इनपुट अप्लाई होता है उसकी वजह से प्रेजेंट स्टेट पे रहते हैं तो एक और डायरेक्टेड और एरो होगा जो वो इनपुट कंडीशन बता रहा होगा और आउटपुट भी बता रहा होगा मिली स्टेट मशीन को हमने इम्प्लीमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे जो स्टेट्स हैं ए बी सी डी जो हमने डिस्क्राइब की हुई हैं हमने स्टेट असाइनमेंट करनी है स्टेट असाइनमेंट वही रूल जो है वो अप्लाई करेंगे कि मिनिमल बिट चेंजेस हों उसमें अनयूज अगर स्टेट्स हैं उनको हमने यूज़ करना है ताकि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन uh, है बुलियन एक्सप्रेशन हैं वो सिंपल आएँ सर्किट सिंपल हो बहरा स्टेट असाइनमेंट जब आपने कर ली फिर वही चीज़ है कि आपने जो है जो भी फ्लप फ्लॉप यूज़ करना है वो सिलेक्ट करना है उसका स्टेट ट्रांजिशन टेबल की मदद से इनपुट टेबल बनेगा उससे बोलियन एक्सप्रेशन आएंगी बोलियन एक्सप्रेशन दो किस्म की आ रही हैं मिली स्टेट मशीन के लिए एक तो जो है एक्साइटेशन इनपुट्स जो हैं जो जे के फ्लिप फ्लॉप या कोई और फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे अप्लाई होंगी क्लॉक ट्रांजिशन आएगा तो नेक्स्ट स्टेट पे शिफ्ट कर जाएगा और दूसरी जो बुलियन एक्सप्रेशन हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं जो उस स्टेट मशीन के आउटपुट्स हैं तो जैसे हमने बताया कि आउटपुट्स जो हैं प्रेजेंट स्टेट के स्टेट वेरिएबल्स होंगे और जो एक्सटर्नल इनपुट है वो भी वेरिएबल्स उसमें शामिल होंगे आज हम बात शुरू करेंगे रजिस्टर से रजिस्टर्स जैसे कि आपको याद हो हमने डिस्कस किया था पहले कुछ एग्ज़ाम्पल्स में आपको मुख्तिफ़गह पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि इन्फॉमेसन स्टोर करें सो so, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एल यू एल यू है एर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसने एडिशन करनी सब्रैक्शन करनी मल्टीप्लिकेशन करने या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने तो एल यू जो है दो वैल्यूज़ पर एट ए टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो दो वैल्यूज़ कहीं स्टोर होने चाहिए जब रिजल्ट आता है वो हम कहीं और स्टोर कर रहे हैं सो स्टोरेज कहाँ पे होगी बेसिकली रजिस्टर जो है वो स्टोर करता है रजिस्टर बेसिकली क्या है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स सो जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं काउंटर जो पढ़े और इनफैक्ट रजिस्टर्स uh, को भी देखा फ्लिप फ्लॉप्स अगर आपस में जोड़ दें उस और उनकी जो क्लॉक है वो कॉमन रख लें जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुआ जो भी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे होगा वो स्टोर हो जाएगा सो रजिस्टर बेसिकली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स और उसका मेन मकसद जो है इन्फॉमेसन को स्टोर करना टेक्निकली रजिस्टर जो है दो काम करता है एक तो वो इंफॉर्मेशन स्टोरेज और दूसरा काम जो है इंफॉर्मेशन को शिफ्ट भी करता है अब शिफ्ट ऑफ़ ऑपरेशंस जो है डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं सीरियल शिफ्ट हो सकता है पैरल शिफ्ट हो सकता है इसमें भी अगेन मजीद डिफरेंसेस हैं सीरियल शिफ्ट किस किस किस्म का है और पैरल शिफ्ट किस किस्म का है सीरियल शिफ्ट बेसिकली सपोज आपके पास एक फोर बिट रजिस्टर है तो आप जो डाटा है उस फोर बिट रजिस्टर में सीरियली इनपुट कर सकते हैं वन बिट एट ए टाइम चार बिट रजिस्टर है तो चार बिट्स जो हैं आप हर क्लॉक ट्रांजेक्शन पे एक एक बिट जो है सीरियली एंटर होता जाएगा इसी तरह अगर मजीद चार क्लॉक पल्स आप अप्लाई करें सीरियली जो चार बिट्स इसमें एंटर हुई हैं वो सीरियली आउट हो जाएंगी सो so, इस रजिस्टर को हम कहेंगे सीरियल इन एंड सीरियल आउट रजिस्टर अब इसकी मज़ीद दो फॉर्म्स हैं कि किस डायरेक्शन से आप इनपुट कर रहे हैं लेफ्ट साइड से या राइट right साइड से तो ये दो किस्म के रजिस्टर हो गए अब जो इंफॉर्मेशन एक रजिस्टर में आपने सीरियली इनपुट की है तो विद इन रजिस्टर आप इंफॉर्मेशन को शिफ्ट कर सकते हैं अगेन आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं या राइट right साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं तो ये हम सारी किस्में जो हैं शिफ्ट रजिस्टर की वो देखेंगे दूसरे टाइप के जो रजिस्टर हैं आप पैरेलल में इंफॉर्मेशन रजिस्टर में डाल सकते हैं और पैरेलल में रिट्रीव कर सकते हैं इसी तरह आप सीरियल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं पैरेलल रिट्रीव कर सकते हैं या पैरेलल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और सीरियली रिट्रीव कर सकते हैं सो डिफरेंट टाइप के आपके पास रजिस्टर्स हैं आज के लेक्चर में हम ये सारे जो रजिस्टर्स हैं इनको देखेंगे काम कैसे करते हैं सीरियल रजिस्टर क्या होता है पैरेलल रजिस्टर क्या होता है और जो एम एस आई चिप्स हैं जो पहले से आपको मार्केट से अवेलेबल हैं जिनको आप रेडरली यूज़ कर सकते हैं कि वो कैसे फंक्शन करते हैं वो भी हम देखेंगे हम डिस्कशन शुरू करते हैं सीरियल इन एंड सीरियल आउट रजिस्टर से सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर जैसा कि हमने बताया कि सीरियली डाटा जो है वन बिट एट अ टाइम रजिस्टर में एंटर होगा रजिस्टर उसको स्टोर करेगा अगर मजीद आप क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो डाटा जो स्टोर है वो सीरियली आउट हो जाएगा दूसरा काम जो सीरियल रजिस्टर कर रहा है इन्फॉर्मेशन जो उसने स्टोर की हुई है लेट्स से फोर बेट का रजिस्टर है तो इंटरनली उसको शिफ्ट लेफ्ट या राइट कर सकता है सो अगर दो क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे जो इन्फॉमेसन है उसको टू बेट लेफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट या टू बेट राइट शिफ्ट करेगा अगर चार क्लॉक पलसेज अप्लाई कर रहे हैं तो फोर बेट लेफ्ट शिफ्ट या फोर बेड राइट शिफ्ट करेगा आइए देखते हैं कि इनका ब्लॉक डायग्राम क्या है कैसे ये शिफ्ट हो रहा है उसके बाद हम देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कैसे हुआ इसका सर्किट क्या है आइए पहले देखें ब्लॉक डायग्राम सीरियल इन सीरियल राइट एंड सीरियल आउट ऑपरेशन का बेसिकली ये एक ही रजिस्टर है जो कि सीरियली इन डाटा करता है जो इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर में आ गई उसको शिफ्ट राइट right कर सकता है और जो इंफॉर्मेशन बाहर भेजनी है उसको सीरियली आउट करेगा जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है ये फोर बेट सीरियल इन सीरियल राइट सीरील सीरियल आउट जो रजिस्टर है फोर फ़्लिप्लॉप्स से बना हुआ है फ्लिप फ्लॉप्स कोई भी हो सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप हो सकता है जे के हो सकता है एस आर हो सकता है या कोई और सा फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ़्ट साइड पे जैसे दिखाया गया है डाटा इन सो वन बेट एट अ टाइम एक फ्लिप फ्लॉप में जाएगी जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुआ जो भी डाटा इन पे बेट है वो फ्लिप फ्लॉप वन में स्टोर हो जाएगी नेक्स्ट क्लॉक पल्स में जो फ्लिप फ्लॉप वन पे बेट स्टोर है वो फ्लिप फ्लॉप टू के पास चली जाएगी सो फ्लिप फ्लॉप टू उसको स्टोर करेगा और जो नया इनपुट डाटा है वो फ्लिप फ्लॉप वन स्टोर कर देगा नेक्स्ट क्लॉक पल्स में जो फ्लिप फ्लॉप टू के पास डाटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो फ्लिप फ्लॉप थ्री के पास चली जाएगी फ्लिप फ्लॉप वन के पास जो इन्फॉमेशन है वो फ्लिप फ्लॉप टू में चली जाएगी और जो डाटा एन जो एक्सटर्नल इनपुट है उधर जो भी बिट होगी वो फ्लिप फ्लॉप वन स्टोर कर देगा फाइनली फोर्थ क्लॉक पल्स पे ये तीन बिट डाटा जो फ्लिप फ्लॉप वन टू एंड थ्री के पास है ये शिफ्ट राइट right हो जाएगा बाई वन फ्लिप फ्लॉप थ्री के पास जो इन्फॉमेसन है फ्लिप फ्लॉप फोर के पास चली जाएगी इसी तरह फ्लिप फ्लॉप टू और वन के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो थ्री और टू के पास चली जाएगी जो डाटा इनपुट पर जो भी इन्फॉर्मेशन है जीरो या वन वो फ्लिप फ्लॉप वन स्टोर कर देगा सो दैट मीन्स फोर क्लॉक पल्स के बाद फोर बिट शिफ्ट रजिस्टर जो है कम्प्लीटली फिल हो जाएगा विद फोर बेड्स अब इसके बाद अगर मज़ीद क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं सो so जो फोर्थ फ्लिप फ्लॉप है उधर से डाटा आउट हो जाएगा तीसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी इन्फॉर्मेशन फोर्थ में चली जाएगी सेकंड की तीसरे में चली जाएगी और फर्स्ट की सेकंड में चली जाएगी अगर डाटा इनपुट पे को, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम रिज्यूम कर लेते हैं कि जीरो है सो ज़ीरो मूव हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप वन में इस तरह अगर चार क्लॉक पल्स आप अप्लाई करें सो फोर बेट रजिस्टर जो है कम्प्लीटली ज़ीरो से फिल हो जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आउट हो जाएगी आइए देखते हैं सीरियल इन सीरियल लेफ़्ट सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर जो है वो कैसे काम करता है बेसिकली जो पहले हमने शिफ्ट रजिस्टर देखा जो शिफ्ट राइट right कर रहा था और ये वाला शिफ्ट लेफ्ट जो है इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है सिर्फ डायरेक्शन जो है जिसके थ्रू डाटा एंटर किया जाता है और जहाँ से आउट किया जाता है वो डिफरेंट है और इंटरनली जो शिफ्ट ऑपरेशन हो रहा है वो राइट की बनस्बत लेफ्ट की तरफ हो रहा है सो so, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है डाटा इनपुट जो हो रहा है वो फोर्थ फ्लिप फ्लॉप में हो रहा है क्लॉक ट्रांजेशन जो भी जू ही होगा जो भी डाटा इनपुट है ज़ीरो या वन वो फ्लिप फ्लॉप फोर स्टोर कर देगा नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे जो फोर्थ फ्लिप फ्लिपशॉप है वो इन्फॉर्मेशन आगे तीसरे फ्लिप फॉप में शिफ्ट कर देगा इसी तरह नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन पे जो टू बिट इन्फॉर्मेशन है जो थ्री एंड फोर फ्लिपशॉप के पास है वो आगे एक बिट शिफ्ट हो जाएगी सो फोर क्लॉक पल्स के बाद ये जो फोर बिट शिफ्ट रजिस्टर है ये कम्प्लीटली फुल हो जाएगा विद फोर बिट्स इसके बाद अगर मजीद फोर क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो जो चार बिट्स uh, हैं वो आउट हो जाएंगी और वो सीरियली आउट होंगी वन बिट एट ए टाइम अब जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इंटरनली इंफॉर्मेशन जो है हर क्लॉक ट्रांजिशन पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है जो पहले डायग्राम था उसमें हर क्लॉक पल्स पे इंफॉर्मेशन राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रही है अभी हमने दो ब्लॉक डायग्राम्स देखे जो कि सीरियल इन और सीरियल आउट रजिस्टर्स के थे पहला जो रजिस्टर था वो सीरियल इन इंफॉमेशन कर रहा है और सीरियल आउट कर रहा है और राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है इन्फॉमेशन को जो दूसरा हमने देखा था वो भी सीरियल इन है सीरियल आउट है पर इंफॉर्मेशन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है बेसिकली ये इम्प्लीमेंट कैसे हुए हैं अगर आपको याद हो पहले भी हमने एक शिफ्ट रजिस्टर इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग जे के फ्लॉप्स Uh, कोई भी फ़्लिप हम यूज़ कर सकते हैं एक शिफ्ट रजिस्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी हम देखते हैं कि एक डी फ्लिप ऑप से कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है एक शिफ्ट रजिस्टर और उसका टाइमिंग डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन रिफ्रेश हो जाए जैसे कि हमने बताया कि शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर और शिफ्ट राइट रजिस्टर बेसिकली एक जैसे हैं उनके अगर आप जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या सर्किट है वो देखें तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा हमारे पास यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स भी हैं जो हम कन्फिगर कर सकते हैं डाटा शिफ्ट लेफ्ट करने के लिए या राइट शिफ्ट करने के लिए सो पहले हम देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप के बेस पे जो एक शिफ्ट रजिस्टर बना हुआ है उसकी टाइमिंग डायग्राम और उसके बाद हम यूनिवर्सल रजिस्टर को देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा रहे हैं आइए देखें डायग्राम में एक सीरियल इन शिफ्ट राइट सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर दिखाया गया चार बिट का रजिस्टर है चार डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए हुए हैं ऑफकोर्स सिंक्रिक्सली काम कर रहा है सो so क्लॉक्स चारों के जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं नेगेटिव एश ट्रिगर्ड ये शिफ्ट रजिस्टर है लेफ्ट साइड तो right पे एक डाटा इन है जहां हम सीरियली अप्लाई करेंगे इंफॉर्मेशन तो वन बिट एट ए टाइम ये हर फ्लिप फ्लॉप में एंटर होती जाएगी एक्सट्रीम राइट साइड पे एक डाटा आउट सिग्नल नज़र आ रहा है सो क्यू थ्री जो आउटपुट है उधर से हम सीरियली डाटा रिट्रीव कर सकते हैं सो लेट अस सपोज के पहले क्लॉक ट्रांजेक्शन में Uh, सारे फ्लिप फ्लॉप जो हैं रीसेट हो गए हुए हैं जीरो ज़ीरो 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 पे सो so, पहले क्लॉक ट्रांजिशन में डाटा इन पे वन है सो so, जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुआ जो डी इनपुट है जहाँ पे लॉजिक वन हमने अप्लाई किया हुआ वो क्यू आउटपुट पे चला जाएगा सो क्यू जीरो जो है वो वन हो जाएगा नेक्स्ट जो क्लॉक ट्रांजेक्शन आएगी उसमें डिपेंड करता है कि डाटा इनपुट पे क्या है अगर डाटा इनपुट पे वन है सो अगेन क्लॉक ट्रांजेशन पे ये वन जो है क्यू ज़ीरो पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो पहला जो वन था क्यू ज़ीरो पे वो क्योंकि डी वन के साथ कनेक्टेड है सो क्यू वन जो है वो भी वन हो जाएगा नेक्स्ट टू क्लॉक पल्सिस पे अगर डेटा एन जो है दो ज़ीरोज़ हैं सो नेक्स्ट टू क्लॉक पल्सिस के बाद अगर uh, इस शिफ्ट रजिस्टर के कॉन्टेंट्स देखें क्यू थ्री पे वन होगा क्यू टू पे वन होगा क्यू वन पे ज़ीरो होगा और क्यू जीरो पे ज़ीरो होगा तो चार बिट्स जो हैं हमने सीरियली एंटर कर ली हैं अब अगर एक फिफ्थ क्लॉक पल्स आएगी सो तो Q3 जो है वो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी उधर से हम पढ़ सकते हैं या कोई और आगे शिफ्ट रजिस्टर लगा हुआ है उसमें चली जाएगी Q2 के जो कंटेंट्स हैं वो Q3 पे आ जाएंगे सो so Q2 के कंटेंट्स क्योंकि वन थे वो Q3 पे आ गए वन हो जाएगा Q1 के जो कॉन्टेंट्स हैं वो Q2 पे आ जाएंगे Q1 के कॉन्टेंट्स जीरो थे Q2 जो है ज़ीरो हो जाएगा इसी तरह Q0 के जो कॉन्टेंट्स हैं वो Q1 पे आ जाएंगे Q1 वन जीरो हो जाएगा क्योंकि Q0 जो था वो भी जीरो था डेटा इनपुट पे अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो नई वाली इन्फॉर्मेशन Q0 पे आ जाएगी अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं कि डाटा इनपुट लाइन जो है वो लॉजिक जीरो पर सेट हुई हुई है तो जीरो मूव हो जाएगा क्यू ज़ीरो पर आई इसको ज़रा समझ लें टाइमिंग डायग्राम की मदद से भी सबसे ऊपर क्लॉक ट्रांजिशन दिखाया गया है सो ये क्योंकि नेगेटिवली एज ट्रिगर्ड है सो नेगेटिव ट्रांजिशन पे चेंजेस आ रहे हैं डाटा इनपुट जो है टी वन इंटरवल तक तकरीबन डाटा इनपुट ज़ीरो है सो टी इंटरवल से थोड़ी देर पहले डाटा इनपुट वन हो जाता है उसके बाद ज़ीरो हो जाता है और टी तक ज़ीरो रहता है टी के थोड़ी देर बाद डाटा इनपुट फिर दोबारा वन हो जाता है कुछ देर तक वन रहता है उसके बाद T16 तक ज़ीरो रहता है अगर Q0 ज़ीरो आउटपुट को देखें हर क्लॉक ट्रांजिशन पे ये इन्फॉर्मेशन को लैच करेगा जो पहला फ्लिप फ्लॉप है सो so, T1 पे हमने स्टार्ट किया T4 पे अगर आप देखें T4 पे जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुआ डाटा इनपुट जो है हाई है सो so Q0 भी हाई हो गया इसी तरह नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हो रही है टी के बाद टी जो है उस पर डाटा uh, इनपुट जो है वो ज़ीरो हो गया सो देर फो क्यू जीरो आउटपुट जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा अब क्यू जीरो आउटपुट क्योंकि पहले वन था तो ये वन जो है शिफ्ट हो गया दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप में सो क्यू वन का आउटपुट जो है वन आपको नज़र आ रहा है इसी तरह टी सिक्स ट्रांजेसन uh, पे जो क्यू वन का आउटपुट जो है वो शिफ्ट हो गया क्यू टू पर जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है सो so उसका आउटपुट वन हो गया Q1 पे इंफॉर्मेशन आई Q0 के आउटपुट की सो so पहले फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें ज़ीरो आउटपुट uh, था वो दूसरे वाले फ्लप फ्लॉप में चला गया इस तरह दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसकी इन्फॉमेशन तीसरे में चलेगी फाइनली टी सेवन क्लाक ट्रांजेक्शन पे आ, जो चौथा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट वन हो गया तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है टी फोर से लेकर टी एट तक इन्फॉर्मेशन शिफ्ट कर रही है और ये शिफ्ट राइट कर रही है इस तरह टी एट इंटरवल से टी ट्वेल्व तक देखें टी एट इंटरवल के थोड़ी देर बाद डाटा इनपुट जो है दोबारा हाई हो गया सो so, हर नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन पे ये इन्फॉमेशन जो है शिफ्ट कर रही है पहले फ्लिप फ्लॉप वन में गई फिर टू में फिर थ्री में फिर फोर में अगर इसी सर्किट को हम यूज़ करना चाहें एज ए शिफ्ट लेफ़्ट रजिस्टर तो इस सर्किट में जो चेंजेस करने पड़ेंगे जो फोर्थ फ्लिप फ्लॉप है उसका डी इनपुट जो है क्यू टू इनपुट से डिसकोनेक्ट कर देंगे और इस इनपुट को एज सीरियल इनपुट कंसिडर करेंगे इसी तरह जो क्यू थ्री आउटपुट है उसको हम कनेक्ट कर देंगे डी टू इनपुट के साथ और क्यू टू जो आउटपुट है वो हम कनेक्ट कर देंगे डी वन इनपुट के साथ और क्यू वन आउटपुट जो है वो हम कनेक्ट कर देंगे डी ज़ीरो इनपुट के साथ और क्यू ज़ीरो जो आउटपुट है वो हमारा डाटा आउट होगा क्लॉक uh, का जो सर्किट है वो चारों उसी तरह कनेक्टेड होंगे अब इसमें आप जो इन्फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे जो डाटा इन अप्लाई करेंगे वो चौथे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे अप्लाई करेंगे और जो शिफ्ट होकर इन्फॉर्मेशन आउट हो रही है वो पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे मिलेगी सो so, ये आपका बन जाएगा शिफ्ट लेफ़्ट रजिस्टर आइए अब देखते हैं एक यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर जो कि शिफ्ट लेफ़्ट भी कर सकता है और शिफ्ट राइट right भी कर सकता है इसमें एक कंट्रोल इनपुट है जिसको हम ज़ीरो या वन करेंगे जिसकी मदद से हम या तो डाटा शिफ्ट लेफ़्ट कर सकते हैं या शिफ्ट राइट right कर सकते हैं डायग्राम में एक बाई डायरेक्शनल बिट शिफ्ट रजिस्टर दिखाया गया है बाई डायरेक्शनल का मतलब है ये शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकता है शिफ्ट राइट right भी कर सकता है हर फ्लॉप के इनपुट पे एक कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन सर्किट दिखाया गया जो कि दो एंड गेट्स और एक और गेट के कॉम्बिनेशन के साथ बना हुआ एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ऊपर एक कंट्रोल सिग्नल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है राइट ओब्लिक लेफ्ट बार सो दैट मींस अगर हमने राइट right शिफ्ट करना है तो ये इनपुट जो है वन कर देंगे अगर हमने लेफ्ट इंफॉर्मेशन शिफ्ट करनी है इस इनपुट को हम ज़ीरो कर देंगे अगर आप सर्किट को गौर से देखें जो एंड गेट्स हैं जिन पे हमने वन लिखा हुआ है वो इनेबल होंगे जब राइट दैट मीन्स कंट्रोल इनपुट को हमने वन किया हुआ है so, सो पहला वाला जो एंड गेट है जिस पर वन लिखा हुआ है वो इनेबल हो जाएगा दूसरा फ्लिप फ्लॉप है जिसका एंड गेट वन है वो भी इनेबल हो जाएगा इसी तरह तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का एंड गेट वन इनेबल हो जाएगा और चौथे वाले फ्लिप फ्लॉप का एंड गेट वन इनेबल हो जाएगा पहले वाले एंड गेट के साथ देखें उसके इनपुट पे सीरियल डाटा एन आ रहा है सो so, जो ये जो गेट है एंड गेट है इसका आउटपुट जो है वो कनेक्टेड है और गेट के साथ सो so, और गेट का आउटपुट जो है वो बेसिकली सीरियल डाटा इन होगा गेट टू जो है एंड गेट टू जो है वो डिसेबल हुआ, हुआ हुआ है इसी तरह अगर सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का एंड गेट वन देखें उसका इनपुट जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है क्यू ज़ीरो के साथ आउटपुट पर ऑफकोर्स क्यू ज़ीरो आएगा और गेट के आउटपुट पे भी क्यू ज़ीरो आएगा सो so, बेसिकली आपने फ्लिप फ्लॉप वन का क्यू ज़ीरो आउटपुट फ्लिप फ्लॉप टू के D1 वन इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया इसी तरह फ्लिप फ्लॉप थ्री जो है उसके साथ जो कॉम्बिनेशन सर्किट है एंड गेट वन को देखें उसका इनपुट जो है Q1 है इसी तरह एंड गेट वन का जो आउटपुट है वो भी Q1 होगा और गेट का आउटपुट जो है Q1 होगा सो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप टू का Q1 वन आउटपुट आपने फ्लिप फ्लॉप थ्री के डाटा इनपुट D2 के साथ कनेक्ट कर दिया और इसी तरह Uh, जो आखिरी सर्किट है एंड गेट वन को अगर देखें उसका इनपुट जो है क्यू टू है इसका आउटपुट ऑफकोर्स क्यू टू होगा और गेट का जो आउटपुट है वो क्यू टू होगा सो दैट मीन्स फ्लिप फ्लॉप थ्री का क्यू टू आउटपुट जो है फ्लिप फ्लॉप फोर के डाटा इनपुट थ्री के साथ कनेक्ट किया हुआ ये उसी सूरत में होगा जब राइट एंड लेफ्ट कंट्रोल सिग्नल है उसको लॉजिक वन पे सेट किया हुआ अब जो ही क्लॉक पल्स आएगी जो भी सीरियल डाटा इनपुट पे इंफॉर्मेशन होगी वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में लैच हो जाएगी इसी तरह जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है Q0 जीरो इनिशली अगर हम रिज्यूम कर रहे हैं कि रीसेट हुआ हुआ है जीरो पे सो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे ज़ीरो चला जाएगा इसी तरह तीसरे फ्लिप फ्लॉप के भी आउटपुट पे ज़ीरो होगा और चौथे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे भी जीरो होगा नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे जो फ्लिप फ्लॉप वन पे इंफॉर्मेशन है वो शिफ्ट हो जाएगी फ्लिप फ्लॉप टू पे इसी तरह फ्लिप फ्लॉप टू की इंफॉर्मेशन थ्री पे शिफ्ट हो जाएगी और फ्लिप फ्लॉप थ्री की इंफॉर्मेशन फ्लिप फ्लॉप फोर पे शिफ्ट हो जाएगी सो so, मजीद क्लॉक पल्स अप्लाई करने की वजह से जो भी सीरियल डाटा इनपुट है वो शिफ्ट होता जाएगा राइट right साइड पे अब अगर इसको इस शिफ्ट रजिस्टर को कन्फिगर कर लिया जाए शिफ्ट लेफ़्ट ऑपरेशन के लिए तो जो राइट ऑब्लिक लेफ्ट बार सिग्नल है उसको आपने ज़ीरो पे सेट कर देना है जब आप ज़ीरो पे सेट करेंगे तो एन गेट टू जो हैं जो चार एन गेट टू दिखाए गए हैं वो इनेबल हो जाएंगे और एन गेट वन जो दिखाए गए हैं वो चार डिसेबल हो जाएंगे सो so, पहले वाले जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एंड गेट टू जो है उसको अगर आप देखें उसके जो इनपुट पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बेसिकली आ रही है Q1 के आउटपुट के इसी तरह जो सेकेंड एंड गेट है नंबर टू जो है उसके इनपुट पे इंफॉर्मेशन आ रही है Q2 से नेक्स्ट जो एंड गेट है जो फ्लिप फ्लॉप थ्री के साथ कनेक्टेड है उसकी जो इनपुट है वो क्यू थ्री से आ रही है और जो आखिरी वाला एंड गेट टू है उसकी इनपुट जो है सीरियल डाटा एन से आ रही है अब बेसिकली ये जो कन्फिग्रेशन है ये चौथा वाला जो फ्लॉप है उसके इनपुट पे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो शिफ्ट हो रही है तीसरे फ्लॉप में वो मज़ीद शिफ्ट होगी फ्लिप फ्लॉप में और सेकेंड फ्लॉप की इंफॉर्मेशन जो है पहले फ्लॉप में शिफ्ट हो रही है जो सीरियल आउट है वो क्यू ज़ीरो से हमें मिल रहा है आइए टाइमिंग डायग्राम से इसके ऑपरेशन को जो देख लेते हैं सबसे ऊपर क्लॉक इनपुट दिखाया गया है क्योंकि ये हाई टू लो ट्रांजिशन पर ट्रिगर होता है सो तो एरोज़ जो हैं डाउनलोड एरोज़ दिखाए गए हैं उसके नीचे राइट पब्लिक लेफ़्ट बार सिग्नल दिखाया गया है सो शुरू में टाइम इंटरवल टी वन से तकरीबन टी फोर तक लेफ़्ट शिफ्ट कर रहा है टी फाइव से थोड़ी देर पहले जो सिग्नल है हाई हो गया सो टी फाइव ट्रांज़िशन पे सर्किट कन्फिगर हो गया फॉर राइट शिफ्ट सो इन्फॉर्मेशन राइट शिफ्ट करेगा अगेन T8 एट इंटरवल से थोड़ी देर पहले इसको दोबारा से रिकनफिगर कर दिया लेफ्ट शिफ्ट के लिए सो so T8 एट इंटरवल से लेके T13 थर्टीन इंटरवल तक शिफ्ट लेफ़्ट कर रहा है अगेन T14 फोर्टीन इंटरवल से पहले अगेन इसको कन्फिगर कर लिया गया है राइट right शिफ्ट के लिए सो टी फोर्टीन टी फिफ्टी सी टी सिक्सटीन टाइम इंटरवल्स में ये सर्किट जो है राइट शिफ्ट इंफॉर्मेशन कर रहा है T1 से T2 अगर इन्फॉर्मेशन देखें Q0 जो है ज़ीरो है Q1 वन वन है Q2 टू वन है और Q3 थ्री ज़ीरो है अब क्योंकि इस सर्किट को लेफ़्ट शिफ़्ट uh, के लिए कन्फिगर किया गया है जूँ ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुई T2 पे Q0 जो है वो वन हो गया Q1 जो है वो वन हो गया Q2 जो है ज़ीरो हो, हो गया और Q3 जो है वो वन हो गया सो so अगर आप इसको इन्फॉर्मेशन को देखें ये शिफ्ट लेफ़्ट हो रही है क्यू का जो ज़ीरो है वो क्यू पे uh, चला गया इसी तरह क्लॉक ट्रांसन टी थ्री पे क्यू वन का आउटपुट ज़ीरो हो गया सो टी थ्री से पहले क्यू टू का आउटपुट जीरो था टी थ्री के बाद क्यू वन का आउटपुट जीरो हो गया सो दैट मीन्स ये ज़ीरो जो है मजीद एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर गया इसी तरह टी फोर पर जो ज़ीरो है पहले क्यू वन पर था अब क्यू ज़ीरो के आउटपुट पे पहुंच गया अब टी फाइव से थोड़ी देर पहले जो राइट लेफ्ट सिग्नल है उसको हाई कर दिया हुआ है सो दैट मीन्स टी फाइव इंटरवल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन राइट शिफ्ट होनी चाहिए सो so, जैसा कि दिखाया गया है Q1 पे ज़ीरो आ गया इनिशियली जो T5 इंटरवल था उससे पहले Q0 के आउटपुट पे ज़ीरो था अब T5 के इंटरवल के बाद Q1 के आउटपुट पे ज़ीरो आ गया सो दैट मीज़ ये इन्फॉमेसन राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है इसी तरह T6 इंटरवल पे Q1 का जो आउटपुट जीरो था अब वो Q2 के आउटपुट पे आ गया और इसी तरह T7 इंटरवल में Q3 के आउटपुट पर आ गया अगेन T8 एट इंटरवल पर अगर आप देखें T8 एट इंटरवल पे जो कंट्रोल सिग्नल है राइट और ब्लिक लेफ़्ट वो लो हो गया देट मीन्स आप दोबारा से इस सर्किट को कन्फ़िगर कर लिए शिफ्ट रजिस्टर को कन्फिगर कर लिए लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए सो so, अगेन T8 एट इंटरवल पर जो जीरो दिखाया गया क्यू थ्री पे वो क्यू टू पर रहा है इस तरह टी नाइन पे क्यू uh, वन के आउटपुट पर पहुँच गया टी टेन इंटरवल पे क्यू ज़ीरो के आउटपुट पर पहुँच गया टी इंटरवल इनपुट जो है डाटा जो सीरियल डाटा इनपुट है उस पर हमने एक ज़ीरो अप्लाई कर दिया उससे पहले अगर आप गौर करें सीरियल डाटा इन पे हमने वन लॉजिक वन रखा हुआ सो टी एलेवन पे हमने डाटा इनपुट पे ज़ीरो अप्लाई किया जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुई क्यू थ्री से एक नया ज़ीरो एंटर हो गया और जो क्यू ज़ीरो आउटपुट पे ज़ीरो था वो हम लूज़ कर गए उसकी जगह वन आ गया इसी तरह टी ट्वेल्व इंटरवल पे डाटा इनपुट जो है वो अभी तक हमने लॉजिक ज़ीरो पे रखा हुआ है सो क्यू थ्री पे ज़ीरो आ गया जो पहले क्यू थ्री पे था वो क्यू टू पर मूव हो गया इसी तरह टी थर्टीन पर तीन ज़ीरोस आ गए हैं टी फोटीन इंटरवल पे जो राइट लेफ्ट शिफ्ट सिग्नल है उसको अगेन हमने लॉजिक वन कर दिया दैट मीन्स इस सर्किट को री कर दिए राइट शिफ्ट करने के लिए सो so, अगर इन्फॉर्मेशन को देखें इन्फॉर्मेशन राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है अभी हमने एग्जाम्पल्स देखी सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स की जो कि सीरियली इन डाटा कर रहे हैं और सीरियली आउट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में और राइट हैंड डायरेक्शन में हमने एक यूनिवर्सल रजिस्टर को भी देखा जो कि हम कन्फिगर कर सकते हैं शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ऑपरेशन के लिए दोनों केसेस में सीरियली डाटा इनपुट हो रहा है और सीरियली डाटा आउटपुट हो रहा है अब हम देखते हैं सीरियल इन एंड पैरल आउट शिफ्ट रजिस्टर को सीरियल इन पैरल आउट शिफ्ट रजिस्टर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन जो है वन बिट एट ए टाइम एंटर होगी रजिस्टर में और जब कम्प्लीटली एंटर हो जाएगी उस सारी इन्फॉर्मेशन को हम पैरल फॉर्म में यानी इकट्ठा जो है उसको देख सकते हैं सो so, अगर फोर बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो सीरील इन वन बिट एट ए टाइम सो फो क्लॉक्स में इंफॉर्मेशन एंटर हो जाएगी एंड देन फोर बिट्स को हम देख सकते हैं सो so, आइए देखते हैं इसका ब्लॉक डाइग्राम और इसके बाद देखते हैं कि ये जो एम एस आई फॉर्म्स में चिप्स हैं तो वो कैसे काम कर रहे हैं डायग्राम में एक सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर दिखाया गया जो कि फोर बिट रजिस्टर है फोर फ्लिप फ्लॉप्स हैं इन्फॉमेसन जो है लेफ्ट हैंड साइड से एंटर हो रही है वन बिट एट ए टाइम सो सीरियली एंटर हो रही है सो पहले क्लॉक में इंफॉर्मेशन फ्लिप फ्लॉप वन के पास चली जाएगी दूसरी क्लॉक में वन की जो इन्फॉमेसन है टू के पास शिफ्ट हो जाएगी और वन पे एक और नई इंफॉमेसन आ जाएगी इसी तरह मज़ीद दो क्लाकस uh, के बाद जो फोर बिट रजिस्टर है वो कम्प्लीटली फुल हो जाएगा विथ फोर बिट्स उसके बाद डाटा आउट जो है जैसा कि नज़र आ रहा है फोर डाउनवर्ड एरोस दिखाई गई हैं दैट मीन्स चारों फ्लिपफ्लॉप्स के आउटपुट्स आप साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हैं डायग्राम में एच फोर एच सी वन सिक्स फोर एट बिट सीरियल इन पैरल आउटशिफ्ट रजिस्टर दिखाया गया जिसके ऑफकोर्स एट पैरल आउटपुट्स हैं इसमें एट बिट इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं सीरियली एंटर होगी वन बिट एट ए टाइम एंड एट बिट्स जो हैं हम आउटपुट में देख सकते हैं क्योंकि एट बिट रजिस्टर है सो एट क्लॉक्स के बाद ये इन्फॉर्मेशन इसमें एंटर होगी जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है दो इनपुट्स हैं इसके ए एंड बी ये इंटरनली एक नैंड गेट के थ्रू कनेक्टेड हैं सो इनमें से एक इनपुट पे हम सीरियल इंफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और दूसरे इनपुट को हम यूज़ कर रहे हैं इस शिफ्ट रजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए इनेबल या डिसेबल करने के लिए सो लेट अस सपोज कि डाटा इनपुट हम ए पे अप्लाई कर रहे हैं और जो बी इनपुट है उसको हमने ज़ीरो कर दिया क्योंकि है क्योंकि इंटरनली ये नैन गेट है सो नैन गेट का आउटपुट वन हो जाएगा दैट मीन्स ये जो शिफ्ट रजिस्टर है ये शिफ्ट ऑपरेशन नहीं करेगा जो हम इनपुट बी को एक्टिव हाई कर देते हैं शिफ्ट रजिस्टर काम करना शुरू कर देगा तीसरा जो इनपुट है वो क्लियर एक्टिव लो इनपुट है ये ए संगस इनपुट है सो so जो ही इस सिग्नल पे हम लॉजिक जीरो सिग्नल अप्लाई करेंगे ये शिफ्ट रजिस्टर है इसके आउटपुट पे सारे जीरोजा आ जाएंगे दैट मींस जीरो पे रीसेट हो जाएगा क्लॉक सिग्नल जैसे कि दिखाया गया है एक्टिव हाई है सो पॉजिटिव ट्रांजिशन पे ये शिफ्ट ऑपरेशन कर रहा है आइए देखते हैं इसका टाइमिंग डायग्राम टाइमिंग डायग्राम में सबसे ऊपर क्लॉक सिग्नल दिखाया गया उसके बाद जो क्लियर एक्टिव लो ए सिंकोनर्स इनपुट सिग्नल है जिसकी मदद से हम शिफ्ट रजिस्टर को क्लियर कर सकते हैं वो दिखाया गया so, uh, है सो टी नॉट इंटरवल पे क्लियर सिग्नल को एक्टिवेट किया है सो ए सिंकोनर्सली इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक ये क्यू जीरो क्यू से लेके क्यू आउटपुट्स को जीरो पे रीसेट कर रहा है ए इनपुट जो है उस पर हमने डारा इनपुट अप्लाई किया जो सीरियल डाटा हम इसमें स्टोर करना चाह रहे हैं शिफ्ट करना चाह रहे हैं और इनपुट बी को एज एन एज ए शिफ्ट रजिस्टर इनहिबिट या इनेबल सिग्नल या डिसेबल सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं टी वन टाइम इंटरवल पे सिग्नल बी जो है इनपुट बी पे जो है उसको हाई कर दिया है अब हाई करने की वजह से शिफ्ट रजिस्टर काम अपना शुरू कर देगा इससे पहले काम नहीं करेगा टी थ्री टाइम इंटरवल पे पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन पे इनपुट ए पे लॉजिक हाई इंफॉर्मेशन है सो so, ये इंफॉर्मेशन लैच होगी Q0 ज़ीरो आउटपुट पर आ गई इसी तरह T4 फोर इंटरवल पर यह इंफॉमेसन शिफ्ट राइट होगी क्यू वन के आउटपुट पर आ गई इसी तरह टी फाइव टी सिक्स टी सेवन टी एट और टी नाइन और टी टेन पे पर यह इन्फॉर्मेशन एक बिट जो है आगे को शिफ्ट हो रही है इसी तरह अगर आप देखें इंटरवल टी सेवन पर इनपुट ए जो है पहले ज़ीरो था दोबारा इधर वन हुआ हुआ है। और इसी इंटरवल में क्यू जीरो के आउटपुट पे लॉजिक वन आ गया इससे पहले लॉजिक ज़ीरो था ये इंफॉर्मेशन अगेन जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल्स हैं टी नाइन टी टेन में राइट right की तरफ शिफ्ट कर रही है अभी हमने देखा एक सीरील इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर जिसमें सीरियली इन डाटा शिफ्ट कर रहे हैं और पैरेलल आउट देख रहे हैं उस डाटा को हमने एक एम चिप देखा जो एट बिट शिफ्ट रजिस्टर है अगेन सीरियली इन ऑफ कोर्स शिफ्ट करते हैं और आउटपुट पर हमें एट बिट डाटा नज़र आता है अब बात करते हैं एक पैरल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर की पैरल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर जो है जैसा कि नाम से ज़ाहिर है हम पैरल में डाटा लोड कर देंगे और जो ही हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे एक बिट हमें आउटपुट पे मिलेगी जो सीरियली आउट होगी सो so वन बिट एट ए टाइम आउटपुट में हमें मिलती जाएगी इसको देखते हैं कि काम कैसे करते हैं इसका सर्किट देखते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि जो एम चिप है वो कैसे काम करता है उसमें सो आइए देखें इन तीन चीज़ों को डायग्राम में एक पैरल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है uh, चार फ्लिप फ्लॉप्स हैं क्योंकि चार बिट शिफ्ट रजिस्टर है इंफॉर्मेशन जो है पैरल में लोड होती है सो फ्लिप फ्लॉप वन टू थ्री फोर जो हैं साममल्टेनियसली इंफॉर्मेशन को लोड कर देंगे ये लोड कैसे होगी अभी हम आगे एक सर्किट देखते हैं पर क्लॉक पल्स जो ही क्लॉक सिग्नल आएगा इन्फॉर्मेशन लोड हो जाएगी उसके बाद हम इंफॉर्मेशन को सीरीली आउट कर सकते हैं अगेन हर क्लॉक ट्रांजिशन पे। इस सर्किट को यूज़ करने के लिए एक अगेन कंट्रोल इनपुट होगा जो कि इसको कन्फिगर करेगा फॉर पैरेलल डाटा लोड या पैरेलल आउट सो आइए देखते हैं सर्किट को कि ये पैरेलल लोड कैसे करेंगे और सीरियल आउट कैसे हम शिफ्ट करेंगे डायग्राम में एक फोर बिट पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर दिखाया गया है चार डी फ्लॉप्स हैं क्लॉक उनका कॉमन है फ्लिप फ्लॉप टू फ्लिप फ्लॉप थ्री फ्लिप फ्लॉप फोर के ऊपर एक एंड गेट और गेट और की कॉम्बिनेशन दिखाई गई है एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे ऊपर एक इन्वर्टर दिखाया गया उसके साथ शिफ्ट और ब्लिक लोड बार लिखा गया सो so, अगर हमने लोड करना है जैसा कि हमने बताया पैल इन लोड करेगा और सीरीली आउट शिफ्ट करेगा सो so, इन्फॉर्मेशन पहले लोड करनी है वो कैसे करेंगे शिफ्ट अब्लिक लोड बार को लॉजिक ज़ीरो पे सेट कर देंगे लॉजिक ज़ीरो पे सेट करने की वजह से एंड गेट टू जो है जो तीन एंड गेट्स हैं जिन पे टू लिखा हुआ है वो इनेबल हो जाएंगे सो डी ज़ीरो जो इनपुट है वो डायरेक्टली फ्लॉप वन के इनपुट के साथ कनेक्टेड है डी वन इनपुट जो है वो एंड गेट टू से होता हुआ और और गेट से होता हुआ D1 वन इनपुट के साथ कनेक्टेड है इसी तरह D2 टू इनपुट जो है वो एंड गेट टू और गेट से होता हुआ D2 टू जो फ्लिप फ्लॉप थ्री है उसके इनपुट के साथ कनेक्टेड है और इसी तरह D3 जो सिग्नल है वो एंड गेट टू से होता हुआ और गेट से होता हुआ D3 थ्री इनपुट जो फ्लिप फ्लॉप फोर का है उसके साथ कनेक्टेड है सो लेट्स से वन वन ज़ीरो ज़ीरो हम डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री पे अप्लाई करते हैं शिफ्ट लोड सिग्नल को जीरो पे रख लिया दैट मींस ये सारे जो चार इनपुट्स हैं ये अवेलेबल हैं चारों फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स पे जू ही क्लॉक सिग्नल आया ये इन्फॉमेसन लैच हो जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन हमें नज़र आएगी क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री आउटपुट पे अब इस इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करने के लिए जो सीरियली शिफ्ट आउट हो रही है जो शिफ्ट ओब्लिक लोड बार कंट्रोल सिग्नल है उसको हम लॉजिक वन पे सेट कर देंगे लॉजिक वन पे जब सेट करेंगे तो तीन जो एंड गेट हैं जिनके ऊपर वन लिखा हुआ है वो इनेबल हो जाएंगे अगर पहले वाले को जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे एंड गेट है एंड गेट वन उसके इनपुट पे क्यू ज़ीरो कनेक्ट किया हुआ है सो दैट मीन क्यू ज़ीरो जो है वो फ्लिप फ्लॉप के डी वन के साथ कनेक्टेड है इसी तरह जो सेकेंड एंड गेट है जिसपे वन लिखा हुआ है उसका इनपुट है क्यू वन और इस एंड गेट का आउटपुट जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है डी टू के साथ सो दैट मीन्स क्यू वन कोनेक्ट कर दिया है फ्लिप फ्लॉप थ्री के डी टू इनपुट के साथ और इसी तरह जो आखिरी और तीसरा एंड गेट है विद द नंबर वन उसका इनपुट जो है क्यू टू के साथ कनेक्टेड हुआ हुआ है इसका आउटपुट जो है ऑफ़कोर्स क्यू टू होगा और गेट के थ्रू डी थ्री इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो दैट मीन्स क्यू टू जो है डी थ्री के साथ कनेक्ट कर दिया सो शिफ्ट इंफॉमेशन करने के लिए जो शिफ्ट ऑब्लिक लोड सिग्नल है उसको लॉजिक वन पे रखेंगे सर्किट कन्फिगर हो गया है शिफ्ट ऑपरेशन के लिए जो ही क्लॉक पल्स अप्लाई की क्यू ज़ीरो पर जो इन्फॉमेसन है वो फ्लिप फ्लॉप टू में चली जाएगी इसी तरह क्यू वन पर जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लिप फ्लॉप थ्री स्टोर कर देगा और इसी तरह क्यू टू के uh, पे जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लिप फ्लॉप फोर स्टोर कर लेगा और क्यू थ्री वाली जो इंफॉर्मेशन थी पहले स्टेट में वो अवेलेबल होगी हर क्लॉक पल्स पे इंफॉर्मेशन राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है लेफ्ट साइड पे डी ज़ीरो इनपुट जो है उधर से इंफॉर्मेशन जो है वो शिफ्ट इन हो रही है सो डी ज़ीरो अगर वन पे सेट कर दिया है सो चार क्लॉक पल्स के बाद इस शिफ्ट रजिस्टर में चार वन होंगे अगर डी ज़ीरो है वो जीरो पे सेट किया हुआ है सो चार क्लॉक पल्स के बाद इन चार फ्लॉप्स में चार ज़ीरो होंगे आउटपुट पर यही देखते हैं सेवन फोर एच सी वन सिक्स फाइव जो एक 8 कि एक एट बिट पैरल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया इसके एट इनपुट्स हैं पैरल इनपुट्स हैं डी ज़ीरो से लेके डी सेवन तक इसका एक आउटपुट है क्यू सेवन जो कि सीरियल आउटपुट है इसका क्यू सेवन बार आउटपुट भी है सो so, कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट हमें अवेलेबल है लेफ्ट साइड पर चार सिग्नल्स दिखाए गए हैं एक शिफ्ट अब्लिक लोड सिग्नल है सो so, अगर हाई होगा शिफ्ट ऑपरेशन करेगा अगर लो होगा तो ये लोड ऑपरेशन करेगा दैट मीन्स जो डाटा इनपुट्स हैं डी ज़ीरो से डी सेवन पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लोड हो जाएगी ए सी आर जो है सीरियल इनपुट सिग्नल है इधर हम इनपुट इंफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे जो इसमें शिफ्ट हो जाएगी क्लॉक सिग्नल एक तो क्लॉक है और एक क्लॉक इनहबिट है बेसिकली ये दो सिग्नल जो हैं इंटरनली एक और गेट के थ्रू कनेक्टेड हैं सो क्लॉक इन्हीबिट सिग्नल जो है क्लॉक को इन्हेबिट इनेबल या डिसेबल कर रहा है अगर ये सिग्नल वन कर दें सो so क्लॉक काम करना बंद कर देगा शिफ्ट ऑपरेशन नहीं होगा या लोड ऑपरेशन भी नहीं होगा क्लॉक इन्हेबिट सिग्नल को अगर ज़ीरो करेंगे और गेट का आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगा क्लॉक सिग्नल पे। सो क्लॉक इनहबिट सिग्नल को जीरो करने से क्लॉक काम करना शुरू कर देगा सो so ये जो शिफ्ट रजिस्टर है ये पैरल लोड भी करेगा और शिफ्ट ऑपरेशन भी करेगा अभी हमने एक पैरल इन सीरियल आउट रजिस्टर देखा और उसका जो एम एस आई फॉर्म है वो भी हमने देखा नेक्स्ट हम देखते हैं पैरल इन पैरल आउट शिफ्ट रजिस्टर अभी तक जितने भी हमने रजिस्टर देखे सीरियल इन सीरियल आउट सीरियल इन पैरल आउट या पैरल इन सीरियल आउट उसमें शिफ्ट ऑपरेशन हो रहा है ये जो पैरल इन पैरल आउट रजिस्टर है इसमें कोई शिफ्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा सो so, पैरल में डाटा स्टोर होगा और पैरल में ही आपको डाटा इन्फॉमेशन अवेलेबल हो जाएगी सो बेसिकली ये प्योर रजिस्टर है जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है शिफ्ट नहीं कर रहा इसकी भी डिफरेंट वेरिएशन हैं हमारे पास डिफरेंट uh, टाइप के एम चिप्स हैं जो कि पैरल इन करते हैं पैरल आउट करते हैं साथ में सीरियल इन सीरियल आउट करते हैं तो ये बड़ा वर्सटाइल किस्म का चिप है जो पैरल इन सीरियल आउट कर देगा या सीरियल इन पैरल आउट कर देगा या पैरल इन पैरल आउट करेगा या सीरियल इन सीरियल आउट करेगा सो आइए देखते हैं एक पैरल इन पैरल आउट के ब्लॉक डायग्राम को काम कैसे करता है इसका एक इंटरनल सर्किट जो है सर्किट डायग्राम वो देखते हैं और फिर एक एम चिप को देखते हैं जो कि एक यूनिवर्सल टाइप का चिप है जो कि ये सारे काम कर सकता है डायग्राम में एक पैरल इन पैरल आउट रजिस्टर दिखाया गया जो कि पैरल फॉर्म में डाटा लोड करता है और पैरल फॉर्म में ही डाटा आउटपुट कर रहा है बेसिकली चार फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिनके जो इनपुट्स हैं उधर हम डाटा अप्लाई कर रहे हैं जो ही क्लाग ट्रांजेक्शन आया ये इन्फॉमेशन स्टोर हो जाएगी या क्यू आउटपुट्स पे आ जाएगी इस पैल इन पैल आउट रजिस्टर का इंटरनल सर्किट देख लेते हैं जैसा कि दिखाया गया है चार फ्लिप फ्लॉप्स हैं डी फ्लिप फलॉप्स हैं क्लॉक्स uh, अगेन आपस में कनेक्टेड हैं इंफॉर्मेशन जो है डी जीरो इनपुट डी वन इनपुट डी टू इनपुट और डी थ्री इनपुट पर साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हैं जूँ ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुआ ये चारों फ्लिप फ्लॉप्स इंफॉर्मेशन uh, जो इनके इनपुट्स पे वो स्टोर कर देंगे या लैच कर देंगे ये इन्फॉमेशन इमीजिएटली आफ्टर सर्टन प्रॉपर्गेशन डिले ऑफ कोर्स आपको अवेलेबल होगी Q0 ज़ीरो आउटपुट पर क्यू वन आउटपुट पर क्यू टू आउटपुट पर और क्यू थ्री आउटपुट पर इस सर्किट में कोई शिफ्ट मैकेनिज्म नहीं दिखाया गया दैट मीन्स ये जो रजिस्टर है शिफ्ट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकता डायग्राम में सेवन फोर एच सी वन नाइन फाइव एक एम एस आई चिप दिखाया गया जो कि एक फोर बेट पैरल इन पैरल आउट शिफ्ट रजिस्टर है ये एक प्योर रजिस्टर नहीं है इसमें आप शिफ्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं जैसा कि इनपुट पे दिखाया गया डी ज़ीरो डी वन डी टू डी थ्री इधर आप फोर बिट पैरल इन्फॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि इसमें लोड हो जाएगी आउटपुट पर क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री है जहाँ से आप पैरल आउटपुट देख सकते हैं जे और के बार इनपुट्स जो हैं इधर से आप सीरियली इन्फॉर्मेशन इसमें लोड कर सकते हैं सीरियली इन कर सकते हैं शिफ्ट अब्लिक लोड जो सिग्नल है अगेन शिफ्ट जब सिग्नल एक्टिव होगा दैट इज़ लॉजिक वन होगा तो शिफ्ट ऑपरेशन करेगा अगर लॉजिक ज़ीरो पर रखे इस सिग्नल को तो ये इन्फॉमेसन लोड करेगा पैरल में इन्फॉर्मेशन लोड कर देगा क्लियर एक्टिव लो एक्कोनस सिग्नल है जो ही ये एक्टिवेट होगा आउटपुट्स जो हैं सारे रीसेट हो जाएंगे जीरो जीरो ज़ीरो जीरो पर सोहर क्लॉक पॉजिटिव ट्रांजिशन पे इंफॉर्मेशन जो है यहाँ शिफ्ट करेगी या लैच करेगी डायग्राम में सेवन फोर एच सी वन नाइन फोर दिखाया गया जो कि एक बाई डायरेक्शनल फोर बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है जैसे कि पहले बताया ये पैरेलल इनपुट करता है पैरेलल आउटपुट करता है सीरियल इनपुट करता है सीरियल आउटपुट करता है D0, D1, D2, D3 पैरेलल इनपुट्स हैं फोर बिट पैरेलल इनपुट्स Q0, Q1, Q2, Q3 क्यू टू क्यू फोर बेट पैरल आउटपुट्स हैं क्लियर एक्टिव फ्लो ए सिंगोनस इनपुट है जो ही ये सिग्नल एक्टिवेट होगा आउटपुट्स क्लियर हो जाएंगे ज़ीरो 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 पे सेट हो जाएंगे क्लॉक सिग्नल जो है पॉजिटिव एच पे ये काम करता है सो so जो ही पॉजिटिव ट्रांजिशन होगी या तो ये इंफॉर्मेशन इनपुट पे जो है पैरल इनपुट्स uh, पे वो लोड कर देगा या शिफ्ट करेगा दो सिग्नल्स दिखाए गए एस जीरो एंड एस वन बेसिकली ये जो हैं इस चिप को कन्फिगर कर देते हैं इन डिफरेंट मोड्स अगर ये दोनों हाई हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो है पैलल इन्फॉमेशन उसको लोड करेगा अगर S01 है तो ये राइट शिफ्ट करेगा अगर S11 है तो ये लेफ्ट शिफ्ट करेगा S0 और S1 दोनों अगर लॉजिक ज़ीरो हो, तो ये डिसेबल हो जाएगा शिफ्ट रजिस्टर काम नहीं करेगा दो मजीद इनपुट्स दिखाए गए एस आर एस सी आर और एस एल एस सी आर बेसिकली uh, ये सीरियल इनपुट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो सीरियल शिफ्ट लेफ्ट करना है तो एस एल इनपुट पर अप्लाई करेंगे और राइट शिफ्ट करना है तो एस आर इनपुट पर इंफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे अभी हमने एक पैरल इनपुट पैरल आउटपुट रजिस्टर देखा जो कि शिफ्ट नहीं करता सिंपली इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जैसे हमने बताया कि डिफरेंट वेरिएशन हैं तो एक हमने एक एम एस आइट चिप देखा जो कि पैरल इनपुट कर रहा है पैरल आउटपुट कर रहा है सीरियल इनपुट करता है सीरियल आउटपुट करता है सो डिफरेंट कॉम्बिनेशनस के तौर पर हम इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अब आइए बात करते हैं रोटेशन अभी तक बात कर रहे थे शिफ्ट ऑपरेशंस की इन्फॉर्मेशन शिफ्ट हो रही है एक एंड से इनपुट होगी दूसरे एंड से आउटपुट हो जाएगी रोटेशन में बेसिकली हम जो आउटपुट है वो इनपुट पे कनेक्ट कर देते हैं सो सीरियल आउटपुट जो है सीरियल इनपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा सो बेसिकली रोटेट ऑपरेशन में इन्फॉर्मेशन जो एक एंड से निकल रही है वो वापस रिसर्कुलेट हो रही है सो so, एक सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रहा है सो so, अगर काउंटर की एग्जांपल लें काउंटर में भी एक सीक्वेंस रिपीट होता है इसमें जो है एक पैटर्न रिपीट हो रहा होगा सो रोटेट राइट भी कर सकते हैं और रोटेट लेफ्ट भी कर सकते हैं आइए देखते हैं इन दोनों के ब्लॉक डायग्राम्स के रोटेट राइट right कैसे होगा और रोटेट लेफ्ट कैसे होगा ये कोई डिफरेंट सर्किट नहीं होगा सिंपल कोई भी एक सीरियल जो शिफ्ट रजिस्टर है उसको लेके उसका जो सीरियल आउट है उसके सीरियल इन के साथ कनेक्ट कर दें सो ये आपका रोटेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा आइए देखते हैं पहले रोटेट राइट ऑपरेशन को जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया एक फोर बिट शिफ्ट रजिस्टर है जो सीरियल इनपुट कर रहा है सीरियल आउटपुट कर रहा है और शिफ्ट राइट right कर रहा है जो सीरियल आउटपुट पिन है उसको सीरियल इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है so, सो चार क्लॉक पासिस में इंफॉर्मेशन लोड हो जाएगी पाँचवीं क्लॉक पल्स में जो फोर्थ फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट पे अवेलेबल होगी और वो लैच हो जाएगी सो दैट मींस ये जो फोर बिट पैटर्न है ये रोटेट करता रहेगा रोटेट राइट ऑपरेशन के तहत आइए अब देखते हैं रोटेट लेफ्ट ऑपरेशन को अगेन ये भी एक शिफ्ट रजिस्टर है जो कॉन्टेंट्स हैं उनको शिफ्ट लेफ्ट कर रहा है सो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर जो शिफ्ट आउट पिन है उसको हमने कनेक्ट कर दिया हुआ शिफ्ट इन पिन के साथ एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे सो so, जो ही क्लॉक पल्स आई जो भी इंफॉर्मेशन फ्लिप फ्लॉप वन के आउटपुट पे है वो आ, फ्लिप फ्लॉप फोर जो है उसको लैच कर देगा सो so, अगेन ये जो फोर बिट पैटर्न है ये बार बार रिपीट होगा अभी हमने रोटेट ऑपरेशन देखे रोटेट राइट एंड रोटेट लेफ्ट जो कि हम शिफ्ट रजिस्टर्स की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर का जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया ये जो रोटेट ऑपरेशन हैं जो शिफ्ट रजिस्टर्स के थ्रू हम परफॉर्म कर रहे हैं इनकी मदद से हम डिफरेंट टाइप के काउंटर्स बना सकते हैं जो दो कॉमनली यूज काउंटर्स हैं वो एक है जॉनसन काउंटर और एक है रिंग काउंटर जॉनसन काउंटर में बेसिकली जो लत से फोर बिट जॉनसन काउंटर है तो जो आखिरी वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो क्यू बार आउटपुट है वो हम कनेक्ट कर देंगे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट के साथ सो so बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट आ रहा है वो इनपुट पे आ रहा है जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है जो जो हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे ये पैटर्न जो है ये रिपीट होगा पैटर्न क्या होगा इनिशियली अगर चारों फ्लिप फ्लॉप्स हैं हमने ज़ीरो जीरो जीरो जीरो, जीरो पर सेट कर दिया हुआ है सो क्लॉक पल्स के बाद इसमें वन 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 फेल हो जाएगा और आस्ता आस्ता वो वन वन वापस जीरो ज़ीरो जीरो में चेंज हो जाएगा सो आइए देखते हैं जॉनसन काउंटर सर्किट कैसे है और काम कैसे कर रहा है आइए देखते हैं फोर बिट जॉनसन काउंटर को जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया चार डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं आ, पहले वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू आउटपुट सेकंड वाले के डी इनपुट के साथ कनेक्टेड है इसी तरह दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है वो तीसरे के साथ कनेक्टेड है और तीसरे का क्यू आउटपुट जो है डी इनपुट चौथे वाले के साथ कनेक्टेड है जो आखिरी वाला फ्लिप फ्लॉप है फ्लिप फ्लॉप फोर उसका क्यू बार आउटपुट जो है वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट के साथ कनेक्टेड है क्लॉक्स ऑफकोर्स सारों की आपस में कनेक्टेड हैं सो जो ही क्लॉक ट्रांजेसन होगी हाई टू लो ये डी फ्लिप लॉप जो हैं अपनी स्टेट चेंज कर देंगे डिपेंड करेगा कि इनके इनपुट पे क्या है आइए देखते हैं कि जो पैटर्न है वो कैसे रिपीट हो रहा है और क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है हम एज्यूम करते हैं कि ये चारों फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं क्लियर कर दिए हुए हैं री सेट कर दिए हुए हैं सो इनके चारों आउटपुट पर ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो है सो जो ही पहली क्लॉक पल्स हुई जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसके क्यों बार आउटपुट पे वन होगा वो क्योंकि पहले फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो so पहली क्लॉक ट्रांजिशन में पहला फ्लिप फ्लॉप जो है उसके क्यू आउटपुट पे वन आ जाएगा बाकी जो तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके क्यू आउटपुट पे ज़ीरो रहेगा सो so जैसा कि टेबल में दिखाया गया है क्लॉक पल्स वन पे क्यू जीरो इज़ वन क्यू वन इज़ ज़ीरो क्यू टू इज़ ज़ ज़ीरो एंड क्यू थ्री इज़ीरो इसी तरह सेकेंड जब क्लॉक पल्स होगी सो जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसके क्यू बार आउटपुट पे वन है क्योंकि क्यू आउटपुट पे ज़ीरो है सो so, वन जो है वो कनेक्टेड है पहले फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट के साथ सो so, इस क्लॉक ट्रांजिशन पे क्यू जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप वन का उसके आउटपुट पे ऑलरेडी वन था वो फ्लिप फ्लॉप टू लैच कर देगा सो so, जो पैटर्न अब नज़र आएगा वो क्यू ज़ीरो वन होगा क्यू वन वन होगा क्यू टू ज़ीरो होगा एंड क्यू थ्री भी ज़ीरो होगा इसी तरह क्लॉक पस थ्री पे फ्लिप फ्लॉप फोर जो है उसका क्यू बार आउटपुट अगेन वन होगा जो कि फ्लिप फ्लॉप वन लैच कर देगा सो थर्ड क्लॉक के बाद जो इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी इस फोर बिट जॉनसन काउंटर पे पहली तीन बिट्स वन होंगी आखिरी बिट ज़ीरो होगी चौथे क्लॉक पल्स पे क्यू बार अगेन वन है फ्लिप फ्लॉप वन जो है वो वन पे सेट हो जाएगा और बाकी जो तीनों फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो भी वन पे शिफ्ट uh, सेट हो जाएंगे क्योंकि जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसमें वन शिफ्ट हो गया सो so, जैसा कि टेबल में दिखाया गया क्लॉक पल्स फोर में Q0, Q1, Q2, Q3 चारों वन पे सेट हो गए अब फिफ्थ क्लॉक पल्स पे चौथे फ्लिप फ्लॉप का Q आउटपुट वन है Q बार आउटपुट जीरो है अब ज़ीरो आउटपुट की वजह से फ्लिप फ्लॉप वन जो है उसके आउटपुट पे भी जीरो आ जाएगा सो so, क्लॉक पल्स फिफ्थ पे Q0 जीरो जीरो हो गया Q1 वन वन है Q2 टू वन है Q3 थ्री भी वन है सो so, क्लॉक पल्स सिक्स एंड सेवन पे जो पैटर्न नज़र आ रहा है वो जीरो जीरो वन वन है एंड ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन है रिस्पेक्टिवली आठवीं जो क्लॉक पल्स होगी फ्लिप फ्लॉप फोर जो है उसका क्यू आउटपुट वन है क्यू बार आउटपुट जीरो हो जाएगा सो जीरो क्योंकि फ्लिप फ्लॉप वन पे कनेक्टेड है सो फ्लिप फ्लॉप वन ज़ीरो पे सेट हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप टू का आउटपुट जीरो पे सेट हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप थ्री का आउटपुट जीरो पे सेट हो जाएगा और फ्लिप फ्लॉप फोर का आउटपुट जीरो पे सेट हो जाएगा सो आठवीं क्लॉक पल्स में ये वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा सो so, एक एन बिट जॉनसन काउंटर जो है उसकी टू इन टू एन स्टेट्स होंगी सो फोर बिट जॉनसन काउंटर है उसकी आठ स्टेट्स हैं जैसे कि इस टेबल में दिखाई गई हैं स्टेट जीरो से लेके स्टेट सेवन तक अभी हमने एक फोर बिट जॉनसन काउंटर देखा हम सिक्स बिट जॉनसन काउंटर बना सकते हैं एट बिट बना सकते हैं सो so, तरीका वही होगा सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपस में कनेक्टेड हैं आखिरी वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू बार आउटपुट जो है पहले वाले फ्लिप फलॉप के डी इनपुट के साथ कनेक्टेड है आइए अब हम बात करते हैं रिंग काउंटर की रिंग काउंटर जो है वो भी सिमिलर है टू दी जॉनसन काउंटर रिंग काउंटर में जो डिफरेंस ये है कि जो आखिरी वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू जो आउटपुट है उसको हमने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ क्यू बार आउटपुट को नहीं क्यू आउटपुट जो है उसको कनेक्ट किया हुआ है इसको जब इनशलाइज़ करते हैं रिंग काउंटर को उसमें हम एक जो फ्लिप फ्लॉप है उसको वन पे सेट कर, कर देते हैं बाकियों को जीरो पे क्लियर कर देते हैं सो लेट सपोज हमारे पास फोर बेट रिंग काउंटर है तो तीन फ्लिप शॉप जो हैं उनकी आउटपुट जो है ज़ीरो पे होगी एक जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट वन पे होगी जो ही हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे वो वन जो है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट हो जाएगा ज़ीरो जो है वो उससे अगले वाले में जो दूसरा जीरो है वो उसके अगले वाले में जो आखिरी फ्लिप फ्लॉप है वो अगर ज़ीरो पे इनिशली था तो वो जीरो जो है वापस पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे अप्लाई होगा सो so, पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है अगर इनिशली वन पे सेट हुआ है वो जीरो पे सेट हो जाएगा सो so, अगर आप गौर करें इस पर वो वन का जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है बेसिकली रोटेट हो रहा है इसमें so, सो अगर फोर बिट हमारे पास रिंग काउंटर है सो फोर पैटर्नस होंगे जो रिपीट हो रहे हैं आइए देखते हैं इस रिंग काउंटर के सर्किट डायग्राम को सेकेंड आइग्राम में फोर बिट रिंग काउंटर दिखाया गया है चार ऑफ कोर्स डी फ्लिप फलॉप्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं सो so पहला फ्लिप फ्लॉप जो है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है इसी तरह दूसरा तीसरे के साथ और तीसरा चौथे के साथ जो आखिरी वाला चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू आउटपुट जो है पहले वाले के डी इनपुट के साथ कनेक्ट किया गया क्लॉक सारों की आपस में कनेक्टेड हैं ऊपर प्री सेट ए सिंकोनस इनपुट दिखाया गया और नीचे क्लियर ए सिंकोनस इनपुट दिखाया गया सो प्रीसेट इनपुट जो है वो पहले वाले फ्लॉप के साथ कनेक्टेड है और जो क्लियर एस से इनपुट है वो आखिरी तीन फ्लॉप्स के इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो इनिशियली बिफोर वी यूज़ दिस फ्लॉप पहले वाले फ्लॉप को सेट कर देना वन पे और आखिरी जो तीन हैं उनको क्लियर कर देना जीरो जीरो ज़ीरो पे सो इनिशियल स्टेट जो है वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो होगी पहली क्लॉक पल्स पे ये पैटर्न शिफ्ट होगा राइट साइड पे सो क्यू जीरो ज़ीरो हो जाएगा क्यू वन वन हो जाएगा क्यू टू जीरो होगा क्यू थ्री ज़ीरो होगा इसी तरह सेकेंड पल्स पे ये वन क्यू वन से शिफ्ट होके क्यू टू पे चला जाएगा और इसी तरह तीसरी पल्स पे क्यू ज़ीरो जीरो हो जाएगा क्यू वन जीरो हो जाएगा क्यू टू ज़ीरो हो जाएगा और क्यू टू का जो इनिशियली वन आउटपुट था वो क्यू थ्री पे चला गया नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये जो वन है ये रोटेट होके क्यू ज़ीरो के आउटपुट पे आ जाएगा सो फोर बिट रिंग काउंटर के फोर पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं अभी हमने रिंग काउंटर देखा रिंग काउंटर के जो चार स्टेट्स हैं वो हर स्टेट के लिए एक ही फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट वन है बाकी सारे ज़ीरो हैं सो हम, हम अगर हम ये यूज़ करें इसके बाद हमें डी कोडिंग आउटपुट्स नहीं लगाने पड़ते जैसे हमने पहले कंसिडर किया था काउंटर की एप्लीकेशन में उसके बाद हमने एक डी सर्किट लगाया था जो कि एक स्टेट को डिटेक्ट करता है और वो आउटपुट को वन कर देता है रिंग काउंटर का फ़ायदा ये है कि कोई डिकोडिंग आउटपुट नहीं होगी हर स्टेट जो है एक यूनिक वन को आउटपुट कर रही है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे इन शिफ्ट रजिस्टर की एप्लीकेशंस और मज़ीद डिस्कशन होगी अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे खुदा अस्सलाम वालेकुम